महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहिवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना वायरस का रहस्य क्या है, इसे सुलझाने के लिए पूरी दुनिया जुटी है और अब तक के जो शोध सामने आए हैं उससे चीन पर शक गहराता जा रहा है। इसी बीच कोविड-19 की उत्पत्ति का रहस्य खंगालने में जुटी अमेरिका खुफिया एजेंसियों के हाथों चीन की विवादित वुहान लैब का वृहद जेनेटिक डाटा लगा है। अमेरिकी मीडिया में गुरुवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का यह डाटा कैसे हासिल हुआ रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। हाल के सालों में स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर्स को पिघलने के कारण 180 नई झीलें बनी हैं। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्वेटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि आल्प्स में जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट प्रमाण है। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वेटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2016 तक इस क्षेत्र में सालाना आधार पर 15 लाख वर्ग मीटर का क्षेत्र पानी में डूब गया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जिस दर से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वह असामान्य है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आल्प्स क्षेत्र में केवल 10 सालों में 180 नई झीलें बन गई है। हिमालयी क्षेत्र में आपदाएं लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां रहना सुरक्षित नहीं और इन ग्रामीणों को कहीं और बसने की सलाह दे रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के करीब 5 किलोमीटर दूर कटिन पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव धानसड़ा, कोई 200 लोगों की आबादी वाला धानसड़ा पिछले कई सालों से लगातार दरक रहा है। हालात ऐसे है कि मानसून या खराब मौसम में यह लोग रात को अपने घरों में नहीं सोते बल्कि गाँव से कुछ किलोमीटर ऊपर पहाड़ी यानी अस्थायी टेंट लगा लेते हैं क्योंकि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों के गिरने का डर बना रहता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 2012 में एक सड़क हादसे में एक सूडानी लड़के की हत्या के दोषी को प्रवासी कारोबारी एमए यूसुफ अली ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देकर जेल से रिहा कर लिया। केरल के रहने वाले 45 वर्षीय कृष्णन ने सितंबर 2012 में लापरवाही से कार चलाते हुए बच्चों के समूह को टक्कर मार दी थी। कृष्णन ने एक सूडानी लड़के की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद यूएई के सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा दी थी। तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान की एक महिला गवर्नर अपने इलाकों में फौज खड़ी कर रही है। अपनी जमीन बेचकर लोग हथियार खरीद रहे हैं और उनकी सेना में शामिल हो रहे हैं। पुरुष प्रधान अफगानिस्तान के एक जिले में महिला गवर्नर माजरी तालिबान से लड़ने के लिए मर्दों की फौज जुटाने निकली है। मई की शुरुआत में ही तालिबान अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में उमड़ा चला आ रहा है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।